दोस्तों गवर्नमेंट की तरफ से महिलाओं के लिए एक धमाकेदार स्कीम को जो है चलाया जा रहा है, जिसमें कि जो भी पात्र हितग्राही महिला होती है गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्टली उसके खाते में जो है 5,000 रुपए की राशि का बेनिफिट जो है महिला को दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ की, जिसमें कि जो भी पात्र हितग्राही महिला होती है उसको यहाँ पर जो है गवर्नमेंट की तरफ से 5,000 रुपए का और 6,000 रुपए का अलग अलग बेनिफिट यहाँ पर जो है दिया जाता है। सो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो है डिटेल से प्रोसेस बताने वाला हूं कि किस तरह से आप जो है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत जो है ऑनलाइन घर बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप के माध्यम से एप्लीकेशन कर सकते हैं, और यहां पर जो है कौन कौन से लोग एप्लीकेशन कर सकते हैं, क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको जो है यहां पर लगने वाले हैं, और पैसा यहाँ पर जो है किस तरह से आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, कंप्लीटली प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को जो है इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को लाइक अभी से कर दीजिए, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इसी तरह का डिजिटल इंडिया से रिलेटेड कंटेंट मिलता रहता है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले आपको जो है अपने मोबाइल के या लैपटॉप के किसी भी एक ब्राउजर में इस वाली वेबसाइट को ओपन कर लेना है। इसका डायरेक्ट लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और हमारे टेलीग्राम चैनल दोनों जगह पर मिल जाएगा। अब दोस्तों जैसे ही आप इस वाली वेबसाइट पर आ जाएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस पेज आपको देखने के लिए मिलेगा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा जो है इस वाली सर्विस को यहाँ पर जो है चलाया जा रहा है। अभी दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, यहाँ पर आपको जो एक सिटीजन लॉगिन का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, तो आप जो है यहां पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहां पर इस तरह का इंटरफेस पेज आ जाएगा। यहां पर आपको जो है एक मोबाइल नंबर प्रोवाइड करना है एंड वेरीफाई वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपके सामने एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आ जाएगा। अभी दोस्तों यहाँ पर आपको जो है आपका नाम एंटर कर देना है, यहाँ पर आपको जो है अपना स्टेट सिलेक्शन कर लेना है। तो भारत के सभी स्टेट में सर्विस लाइव है, आपका जो भी स्टेट है आप यहाँ पर इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है अपना डिस्ट्रिक्ट चयन कर लेना है, जो भी आपका जिला है इस तरह से आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एरिया सिलेक्ट कर लेना है, आपका जो क्षेत्र है ग्रामीण क्षेत्र है या शहरी क्षेत्र है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है अपना ब्लॉक सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर आपको जो अपना विलेज या गांव का नाम आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको रिलेशनशिप विथ बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी के साथ में आपका क्या रिलेशन है आपको यहाँ पर बता देना है। आप बेनिफिशियरी के माता हैं, आप बेनिफिशियरी के पिता हैं, आप बेनिफिशियरी के पति हैं, या बेनिफिशियरी खुद से ही अपना एप्लीकेशन कर रहा है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ आप यहाँ पर इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे कि मान लीजिए महिला कैंडिडेट खुद से ही अपना यहाँ पर एप्लीकेशन कर रही है, तो वो यहाँ पर सेल्फ वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेगी, और अगर मान लीजिए महिला कैंडिडेट का पति एप्लीकेशन कर रहा है तो स्पाउस वाले ऑप्शन को यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे, जीवन साथी वाले ऑप्शन को आप यहाँ पर जो है सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। अभी इंफॉर्मेशन को फिल करने के बाद आपको जो क्रिएट अकाउंट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो जो भी आपका मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर प्रोवाइड किया है उस पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, ओटीपी आप यहाँ पर एंटर करेंगे तो आपका जो अकाउंट है सक्सेसफुली क्रिएट कर दिया जाएगा। अब दोस्तों अकाउंट क्रिएट हो जाने के बाद आपको जो है दोबारा से होम पेज पर आना होगा। यहाँ पर आ जाने के बाद एक बार फिर से आपको जो है सिटीजन लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करना होगा। जिस किसी भी मोबाइल नंबर से अभी आपने रजिस्ट्रेशन किया था वो मोबाइल नंबर आप जो है एक बार फिर से यहाँ पर एंटर करेंगे एंड वेरीफाई वाले बटन पे क्लिक करेंगे। तो आपका जो भी मोबाइल नंबर आपने रजिस्टर्ड किया था उस पर एक बार फिर से ओटीपी भेजा जाएगा। इस बार जो है लॉगिन के लिए ओटीपी भेजा गया है, तो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर कर देना है जो भी ओटीपी आपको मिला है। उसके बाद इस वाले कैप्चा को आपको यहाँ पर फिल कर देना है एंड वैलिडेट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो आपका जो पोर्टल है यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा और इस तरह का डैशबोर्ड आपको जो है देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर जो है आपको आवेदक का नाम दिखाई देगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको जो है इस तरफ आपको कुछ ऑप्शंस देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें कि होम बटन देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर डाटा एंट्री का एक ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है, तो उसके जस्ट पीछे आपको एक एरो का बटन देखने के लिए मिलेगा, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ जाएगा, आपको जो है बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो अभी आपके सामने यहां पर जो है बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आ जाता है। अब दोस्तों यहां पर आपको जो है सबसे पहले तो जो भी महिला कैंडिडेट है उसकी यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी होगी, जिसमें कि महिला कैंडिडेट जो है किसी भी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टेट गवर्नमेंट की एम्प्लॉय तो नहीं है, आपको यहाँ पर बताना होगा यस नो, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा अप्लाइंग फॉर, यहाँ पर आप जो है पहले बच्चे के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं या सेकंड चाइल्ड गर्ल के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है कंडीशन गवर्नमेंट की तरफ से रखी गई है कि पहले बच्चे के लिए अगर आप जो है एप्लीकेशन कर रहे हैं तो पहला बच्चा अगर लड़का है या लड़की है दोनों कंडीशन में आप जो है यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं, और पहले बच्चे पर आपको जो है गवर्नमेंट की तरफ से 5,000 रुपए का बेनिफिट डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में दिया जाता है।
और यहाँ पर अगर आप जो है सेकंड चाइल्ड के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं तो सेकंड चाइल्ड के लिए आप तभी एप्लीकेशन कर सकते हैं जब सेकंड चाइल्ड गर्ल है, ठीक है ना। मान लीजिए आपकी सेकंड चाइल्ड अगर लड़की है तो ही आप अपना एप्लीकेशन यहाँ पर कीजिएगा, अदरवाइज आप जो है एप्लीकेशन यहाँ पर नहीं कर सकते। सेकंड चाइल्ड गर्ल के लिए गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर जो है आपको 6,000 रुपये का बेनिफिट गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको जो है सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपका केस है, उसके बाद यहाँ पर आपको नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन को सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मान लीजिए आप अगर गर्भावस्था के दौरान एप्लीकेशन कर रहे हैं तो आप 0 को सिलेक्ट करेंगे, और अगर आप जो है बच्चे के जन्म के बाद एप्लीकेशन कर रहे हैं तो आप जो है 1 वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा डज बेनिफिशियरी हैव आधार कार्ड, आपको यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद टर्म को एग्री करना है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आ जाना है। यहाँ पर आपको जो है महिला कैंडिडेट का नाम एंटर करना है जो भी उनके आधार कार्ड में लिखा है उसके अकॉर्डिंग। आधार नंबर आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर एंटर करना है जो भी महिला कैंडिडेट के आधार कार्ड पे है उसके अकॉर्डिंग। तो उम्र यहाँ पर जो है ऑटोमेटिकली आ जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद कैटेगरी आपको सिलेक्ट करना है, ST/SC के लिए यहाँ पर आपको सेपरेट ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। अदर में आप जो है जनरल कैटेगरी में आते हैं या OBC के अंतर्गत आते हैं तो आप अदर को सिलेक्ट करेंगे। मोबाइल नंबर जो आपका प्रोवाइड किया था आपको यहाँ पर शो किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर किसका है, ठीक है ना, जो मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर दिया है ये किसका है, सेल्फ खुद का है, हस्बैंड का है, माता का है, पिता का, जो भी आपके केस में आप सेलेक्ट कर लीजिए। हमारे पास सेल्फ है, हमने सेल्फ वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी प्रूफ में एक डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाएगा। तो यहाँ पर जैसे आप डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने 8-10 डॉक्यूमेंट आ जाते हैं, जिसमें कि यहाँ पर जो महिला कैंडिडेट है उसकी फैमिली की इनकम जो है सालाना इनकम 8,00,000 रुपए से कम है तो आप यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। आपके पास में मनरेगा जॉब कार्ड है तो आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। अगर महिला कैंडिडेट जो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जो है पात्र है तो वो यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकती है। यहाँ पर जो है जो भी महिला कैंडिडेट है उसका ईश्रम कार्ड है तो यहाँ पर आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर अभी तक आपने जो है अपना ईश्रम कार्ड नहीं बनवाया है तो ईश्रम कार्ड पर पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। ईश्रम कार्ड आप जो है ऑनलाइन तरीके से घर बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप के माध्यम से इजीली बनवा सकते हैं। ईश्रम कार्ड के जो है काफी सारे बेनिफिट है, उसमें से एक बेनिफिट आपको ये भी है कि आप यहाँ पर जो है गवर्नमेंट से 5,000 रुपए और 6,000 रुपए का बेनिफिट सीधे अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं अगर आपके पास में ईश्रम कार्ड है तो। उसके बाद यहाँ पर जो भी महिला कैंडिडेट है उसका अगर आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, BPL कार्ड है तो यहाँ पर आप जो है एप्लीकेशन कर सकते हैं। महिला कैंडिडेट जो है 40% से ज्यादा डिसेबल है तो भी आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो है आशा है, NM है या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है तो उस कंडीशन में आप जो है एप्लीकेशन कर सकते हैं। और अगर आपका जो है नेशनल फूड सिक्योरिटी के अंतर्गत जो है राशन कार्ड जारी किया गया है 2013 में तो यहाँ पर आप जो है एप्लीकेशन करने के लिए पात्र हैं। ये पात्रता बताई गई है, इनमें से जो भी आपके पास है आप उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए हमारे पास BPL राशन कार्ड है, हमने BPL राशन कार्ड को कर लिया है। जो डॉक्यूमेंट आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे उसका नंबर आपको यहां पर देना होगा और उस डॉक्यूमेंट को यहां पर आपको जो है अपलोड भी करना होगा। उसके बाद आप जो है स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आएंगे, यहां पर अब आपके सामने इंपॉर्टेंट डेट्स का कॉलम आ जाता है। तो यहां पर आपको जो है MCP कार्ड डिटेल देनी होगी। MCP कार्ड जो आपका टीकाकरण कार्ड होता है जो कि आपको आंगनवाड़ी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, वही आपका जो है MCP कार्ड होता है। उस पर आपको जो है MCP कार्ड रजिस्ट्रेशन नंबर देखने के लिए मिल जाएगा। MCP कार्ड रजिस्ट्रेशन डेट क्या था वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आपका लास्ट LMP क्या था वो आपको देखने के लिए जाएगा। अगर आपके जो है जितने भी सारे आपके चेकअप किए गए हैं आंगनवाड़ी केंद्र पर वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, उनकी डेट को आप फिलअप कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है बच्चे के जन्म के बाद आप जो है एप्लीकेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको बच्चे का एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ बताना होगा। यहाँ पर नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन 1 रहेगा जो कि हमने सेलेक्ट किया था पहले से। उसके बाद बच्चे का जन्म कहाँ पर हुआ है आपको यहाँ पर बताना होगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में, घर पर हुआ है, आंगनवाड़ी केंद्र पर, जहाँ पर भी हुआ है आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है जिस किसी भी हॉस्पिटल का नाम आप यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको हॉस्पिटल का नाम भी बताना होगा। बच्चे का जेंडर क्या है, मेल फीमेल दोनों आप सेलेक्ट कर सकते हैं पहले बच्चे के लिए। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर आपका जो है प्रेजेंट एड्रेस का कॉलम आ जाएगा जिसमें कि काफी सारी इन्फॉर्मेशन पहले से फिलअप है। आपको अपना एड्रेस यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद आपका जो एरिया का पोस्टल पिन कोड है आपको एंटर करना है। यहाँ पर आंगनवाड़ी केंद्र को आपको जो है सिलेक्ट कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर मान लीजिए आपका एक आंगनवाड़ी आ रहा है तो आप यहाँ पर इजिली सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए एक से अधिक आंगनवाड़ी आपको शो किए जा रहे हैं तो उस कंडीशन में आप जो भी आपकी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है जहाँ से कि आपको टीकाकरण कार्ड प्रोवाइड किया गया है उनसे एक बार संपर्क करके उनका आंगनवाड़ी केंद्र का नंबर आप पूछ लीजिए और उसी को आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। क्योंकि जैसे ही आप यहाँ से ऑनलाइन फॉर्म को फिल करेंगे तो आपका जो फॉर्म है आपका जो भी जनपद पंचायत लेवल का महिला एवं बाल विकास कार्यालय है वहां पर भेज दिया जाएगा। अब वहां पर जब आपका फॉर्म क्रॉस चेक किया जाएगा तो जो फिजिकली इन्फॉर्मेशन जो है आंगनवाड़ी केंद्र की तरफ से भेजी जाती है उसी से आपका जो डाटा है उसको मैच किया जाएगा। और अगर आपकी जो जानकारी है आंगनवाड़ी केंद्र की जानकारी से मैच नहीं खाएगी तो उस कंडीशन में आपको जो है यहाँ पर हो सकता है कि पैसा नहीं दिया जाए, ठीक है ना। काफ़ी सारे फॉर्म जो है इसी वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं तो इसलिए आपको जो है आंगनवाड़ी केंद्र को सही सेलेक्ट करना है और सही सही इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद फॉर्म को आप जो है यहाँ से कर देंगे सबमिट। तो जैसे ही आप फॉर्म को
यहाँ से सबमिट कर देते हैं। तो बाकी की प्रक्रिया मैंने आपको बता ही दी कि आपका जो फॉर्म है आपके जनपद पंचायत का जो भी महिला एवं बाल विकास का कार्यालय है वहाँ पर भेजा जाएगा, वहाँ पर आपका जो भी सारा फॉर्म है उसको चेक किया जाएगा, उसके बाद आपकी सारी इन्फॉर्मेशन सही पाई जाती है तो आपका जो पैसा है DBT के माध्यम से आपके बैंक अकाउंट में सेंड कर दिया जाएगा। अब काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूजन ये है कि हमने जो है बैंक अकाउंट डिटेल तो यहाँ पर दी नहीं तो पैसा किस अकाउंट में जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी पैसा है गवर्नमेंट आजकल डालती है वो आधार DBT सिस्टम के अनुसार डालती है, मतलब आपका जो पैसा है आधार कार्ड से डाला जाता है और जिस किसी भी बैंक में आपका DBT इनेबल है उस बैंक में आपका पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है। अगर आपको नहीं पता है तो इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है आधार NPCI लिंक वाला, आप जो है वो वीडियो देख सकते हैं, इस वीडियो के एंड में मैं चला दूंगा। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत अगर आप जो है हितग्राही पात्र महिला हैं तो इस योजना में अपना रजिस्ट्रेशन करके गवर्नमेंट से जो है यहाँ पर 5,000 रुपए का और 6,000 रुपए का अलग अलग बेनिफिट आप जो है ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको जो है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से रिलेटेड कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। फिर भी इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।